हेलो एंड वेलकम टू वेबाहोलिक सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम एक्सक्लूसिव वेबसाइट्स के ऊपर बात करेंगे। हर वीक हम लोग वेबसाइट ऑफ द वीक अनाउंस करते हैं एंड दिस वीक वी हैव गॉट टू स्पेशल गेस्ट, द फाउंडर्स ऑफ द वेबसाइट नेम्ड parktranslations.com, मिस्टर जीशान अहमद एंड मुबशर शुएब। Hello. How does it feel to be the co-founders of a website that is translating English to Urdu and making it so easy for so many people? It gets better and better every day, yeah? As more people know about it. At first, we didn't know if we were crazy, but now it makes a lot of sense. Hopefully, it would make more sense with. नहीं मगर आप so far आपने जब शुरू किया तो आपकी मतलब क्या response है? How do you मतलब आप बताते हैं कैसे कितने लोग आप आपके websites actually translations इस्तेमाल कर रहे हैं? इस तरह कह सकते हैं कि द मंथ वी लॉन्च्ड व्हिच वाज नवंबर 2007 दिसंबर में अकॉर्डिंग टू गूगल इट वाज द मोस्ट टॉप गेनिंग क्वेरी ऑफ पाकिस्तान। रियली? या इट वाज ऑन नंबर 1, सो दैट वाज द स्टार्ट। उसके बाद से एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने काफी मतलब आई लर्न जर्मन फ्रॉम टाइम टू टाइम, आई सी लॉट ऑफ इंटरनेशनल वेबसाइट जिस पे आप लैंग्वेज ट्रांसलेशंस करती हैं। एक तो आई हैव नोटिस कि कुछ ऐसी नॉर्मल फ्रेजेस हैं जैसे हमारी लिंगो एक अलग टाइप की ज़बान होती है, सही सवाल कुछ और होती है, मगर कोलोकियल लिंगो में या रेगुलर लिंगो में ट्रांसलेशंस ऑफ होती हैं या मतलब खाली आ जाती हैं कभी कभार। आप इफ़ यू हिट द बटन और आप कॉपी पेस्ट किसी को करें, किसी चीज़ को करें, समटाइम्स इट जस्ट नथिंग शोज अप। द आयरनी विद मशीन ट्रांसलेशन इज इट्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज तो नेचुरली होती है, तो देयर आर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, तो ये बेस्ट ट्राई एल्गोरिथम्स पे चलती है। मतलब इन द सेंस कि ये हर दफ़ा गारंटी नहीं कर सकती बेस्ट रिजल्ट, लेकिन उसने ट्राई द बेस्ट। तो इसके लिए कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे एक खास जबान निकाली गई है जो कि मशीन ट्रांसलेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, विच कंप्राइजेस ऑफ मोस्टली नॉर्मल पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो जितनी आपकी फिगरेटिव स्टाइल ऑफ स्पीकिंग होता है ऑफ कोर्स मशीन ट्रांसलेशन पे नहीं काम करता, ऑब्वियसली क्योंकि इट डजंट हैव कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए आई मीन बट दैट्स समथिंग दैट लाइक इज दिस ये कांसेप्ट, मतलब जाहिर है बहुत सारी ट्रांसलेशन वेबसाइट्स हैं बट दिस इज कंप्लीटली पाकिस्तानी ऑब्वियसली, राइट? आप कोई प्लान है कि आप आगे जाके शायद पश्तो, सिंधी, पंजाबी भी इसको इंक्लूड करेंगे? नहीं, डेफिनेटली द टेक्नोलॉजी एक ही है फॉर इंग्लिश टू एनी अदर लैंग्वेज। राइट नाउ इट्स कॉन्फिगर्ड फॉर उर्दू बिकॉज वी ओनली हैड लिमिटेड रिसोर्सेज। इंशाल्लाह 2009 के अंदर सिंधी और पश्तो। रियली? जी, दैट्स पार्ट ऑफ द प्लान। दैट्स पार्ट ऑफ द प्लान। और ये बताइए कि ये आपकी कोई अब हॉबी है कि दिस इज योर एक्चुअल जॉब दैट यू डू एवरी डे? ऑन एंड ऑफ, कभी एक्चुअल भी रहती है, कभी जब बहुत प्रेशर ज्यादा हो जाता है देन वी हैव टू डू प्रोजेक्ट्स। वी हैव हम लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में फाइनल लास्ट मिनट रिजॉर्ट समझे जाते हैं, जैसे इफ यू आर गिवन अ प्रोजेक्ट और आपसे नहीं हुआ है और एक वीकेंड रहता है तो गिव इट टू अस, डू इट फॉर यू ओवर द वीकेंड। और बहुत लोगों के जावा पेपर्स दिए हैं और साइड में इवन जॉब्स भी किए, सो व्हाटएवर, इन शॉर्ट व्हाटएवर वी हैड टू डू टू कीप अफ्लोट। जनरली the how you guys met and what was the motive, what was who see that different the idea. You are from GIK? Yeah, I'm from GIK. And you did FAST ka matlab, sorry, I'm not sure. Foundation for Advancement of Sciences and Technology. Oh my god, 20 years old. That's hardcore. You love doing it now? I mean, are you planning on doing keeping my life business? Couldn't have been better. Isse behtar jagah mein nahi ho sakta tha. Computers ki jo choice thi us waqt mujhe itna sure nahi tha is bare mein, lekin बिल्कुल सही हुआ। Whose idea was it? I mean, it was my combined project when I was in university. Oh, so उस वक्त that time it was done in C sharp small application. ठीक है, उसके बाद I started doing a job. At that time I learned के पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है। जी, I was going to ask you that. तो ये इसका मतलब अब क्या होगा? Competition होगा थोड़ा बहुत? Competition नहीं होगा। गवर्नमेंट आपको employ कर? नहीं, ये भी नहीं होगा, वो लोग काम करते रहेंगे और हम लोग जो करें वो करते रहेंगे। आप मेंशन कर रहे थे इंटरव्यू से पहले कि राइट नाउ दिस इज अ बीटा वर्जन, तो क्या प्लान है अब आगे? अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो चीज लॉन्च की है वो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मशीन ट्रांसलेशन के साथ ये होती है कि कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन कम्स टू यू एंड से आई हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है, तो आप लोग समझेंगे सॉल्यूशन का मतलब हल है किसी चीज का। लेकिन इफ अ साइंटिस्ट विद अ लैब कोट कम्स टू यू विद अ टेस्ट ट्यूब इन हिज हैंड एंड सेज आई हैव अ सॉल्यूशन, देन ऑफ कोर्स दिस सॉल्यूशन हैज अ डिफरेंट मीनिंग, महलूल, नॉट हल बट महलूल, व्हिच इज अ सॉल्यूशन ऑफ समथिंग। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। ये मशीन ट्रांसलेशन में सबसे बड़ा चैलेंज होता है बिकॉज नॉर्मली मशीन को ये नहीं पता होता। तो इन द रिसेंट वर्जन हम लोगों ने अब ये चीज कैटर की है कि देयर इज translation editor online. What you can do is, for example, if somebody has written Zardari sahab is running for president, to wo kahega ji Zardari sahab bhag rahe hain president ke liye,
तो वो गलत थोड़ी थी. एग्जैक्टली. अब लोग चुन सकते हैं और उसको ट्रेन कर सकते हैं. वो जैसे ही प्रूफ रीडर इसको ऑन करेंगे और वर्ब सेलेक्ट करेंगे और उस पर अपना माउस ओवर करेंगे तो ऑप्शन आएंगे, भाग रहा है, बह रहा है, टपक रहा है, इंतखाब पे खड़ा हो रहा है. तो यू कैन से ओके इंतखाब पे खड़ा हो रहा है. इट्स गोना स्टैटिस्टिकली लर्न. बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके जिन्होंने आईटी डिग्री की हो, हैज द इंफॉर्मेशन, वांट टू हैव दिस एज अ करियर, मगर उनकी अगर डे जॉब छोड़ के वो सुबह से शाम बस यही करें, इसमें कोई वायबल ऑप्शन है क्या? पैसे बना सकते हैं इसमें? इसमें एक्सपोजर है? इसमें इज देयर इनफ ऑफ अ फीडबैक फ्रॉम पीपल? दो दिनों में बारे न्यारे नहीं हो सकते, टू बी वेरी फ्रैंक. टाइम लगता है और ख़ास तौर पे आम बिजनेसेस के मुकाबले में डॉट कॉम्स या सर्विसेज मॉडल पे जो भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसको ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है और उसको बहुत थरो मार्केटिंग चाहिए होती है. तो अगर आप अपनी एक वेबसाइट बना देते हैं xyz.com, उसको ऊपर ले जाने के लिए आपको बहुत परसिस्टेंस चाहिए. और उसको एज अ फुल टाइम आप वो ना करें, इंटरनेट से आपके पास एक बहुत बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट है अमेरिका का, सिलिकॉन वैली का, गाय कावासाकी के नाम से, वो यही सजेस्ट करता है कि आप कोई 10-15% बेहतर चीज़ मत करें. कोई ऐसी चीज़ करें जो 10 गुना 20 गुना बेहतर हो एग्जिस्टिंग चीज़ों से, तब आपके पास 2-3 साल में जाके एक ऐसी जगह पर आप होंगे जो कि आप वाकई प्रॉफिटेबल पोजीशन में होंगे. ऐसे नहीं आप अज्यूम कर सकते कि मैं ये वेबसाइट खड़ी करता हूँ और बस ट्रैफिक आ जाएगा और बस ये हो जाएगा और सब एवरीथिंग इज गोइंग टू. ऐसा नहीं होगा. फनी थिंग दैट वी हैव कम अक्रॉस इज के लोग कहते हैं कि यार एक आईडिया है, आई एम लाइक इंटरेस्टेड, व्हाट, कहते हैं यार एक साइट बनाते हैं, उस पे एड्स डालते हैं, लेट्स अर्न मनी. तो इससे पैसे बनाए जा सकते हैं, बट देन यू आर टॉकिंग बिग नंबर्स. तो बनाना इम्पोर्टेंट वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट बन जाती है, हजार तरीके वेबसाइट बनाने की. पॉइंट चीज ये है कि यू शुड एक्चुअली शार्पन योर एक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. डेफिनेटली. एक्जेक्टली. ऑन दैट नोट, वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट लिटिल कमर्शियल ब्रेक. वी आर गोइंग टू बी राइट बैक. प्लीज वन मोर.